गौ के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहे हैं, डंडे, लोहे के सरिये, कभी कभी तो इतने लोग क्षुब्ध हो जाते हैं कि वो तलवार से भी उन पे प्रहार कर देते हैं। गाय की जो प्रकृति है, आप उनकी आंखों में देखेंगे इतनी करुणा आपको किसी और जीव में उपलब्ध नहीं होगी। गौशाला इसलिए बनी क्योंकि गाँव में जो कृषक हैं, जो गौपालक हैं, वो उनको रखना नहीं चाहते हैं, लोग उनको छोड़ देते हैं। जो गाय दूध देती है, सुबह उसका दूध निकाला, उसको छोड़ दिया, फिर वो गाय शाम को आती है, दूध निकाला, फिर उनको छोड़ दिया। हरे कृष्णा मूवमेंट के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हजारों गौवंश, बीमार गौवें हैं, बूढ़ी गईये हैं, गौपालन श्रद्धा के साथ सेवा के रूप में किया जा रहा है। संस्था के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वह है गौवंश के आहार की व्यवस्था, जिसको हम लोग सामान्य रूप से चारा कहते हैं, कि हमारी गौशालाओं के लिए खुले दिल से आप चारे की व्यवस्था में सहयोग करें, ताकि हम अपनी गौ माताओं का कम से कम चारा खिलाकर उनके जीवन का भरण पोषण कर सकें।